डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने अज रखी है, जिदे विच असी अपने यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आते सेंटर गवर्नमेंट नू ये अपील करते हाँ, बेनती करते हाँ कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है, असी देख रहे हाँ कि सिख कम्यूनिटी जिहड़ी है इहदा नंबर बड़ा घट है और किधरे भी किसी भी तरह की पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन जिहड़ी है वह किधरे नज़र नहीं आ रही काफ़ी समय तो। इन्हां चीज़ों नूं मुख रखते होया असी ये बेनती करना चाहते हाँ कि जिथे बाकी लोगों के वास्ते बाकी कम्यूनिटीज़ के वास्ते सोच समझ बना के कुछ सीटा रिजर्व कीतियां गईयां, मुबारक दी गल है, एक अच्छी सोच एक अच्छे स्टैप जिहड़ा है वह गौरमेंट का है, असी उसनूं एप्रीशिएट करते हाँ। पर इहदे नाल नाल असी बेनती यह भी करते हाँ कि सिख कम्यूनिटी जिसने 47 तों लैके अज तक कई तरह के मिलीटेंटा के अटैक होवन या अक्रॉस बॉर्डर शैलिंग होवे या अक्रॉस बॉर्डर टैररिज्म होवे या जंग होवे, हर थां ते इन्हां ने अपना योगदान जिहड़ा है देश की सलामती दे वास्ते, देश की सरहदां की राखी दे वास्ते बहुत वड्डा योगदान इन्होंने पाया है। अपने देखते हाँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर असी देख सकते हैं कि टैररिज्म किस हद तक सी, पर उस टैररिज्म के दौरान भी अपनियां जानां जरूर दित्तियां, अपनी माली जो साढ़े जो अपनी जायदादां सन उन्होंने नजरे आतश जरूर करवाया, पर कश्मीर का कोई हिस्सा छड़ के सिख जिहड़े ने वो किधरे होर माइग्रेट नहीं किए। मैं कह सकता हाँ कि इन्होंने उस पीरियड का जो कि सब तो मुश्किल औखी घड़ी सी जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके कश्मीर के अंदर, तो सिखा ने उत्थे रह के ये जो है अपनी बहादुरी का अपना जो है सबूत दिता है। इन्हों सारिया चीज़ों को तुसी देख सकते हो कि छट्टी सिंहपुरा की ही एक जो मिसाल है वह अपने आप के बहुत वड्डी मिसाल है, जिथे कि इन्ने सिखा नूं एट ए टाइम गोलियां दे नाल उड़ा दिता गया, शहीद कर दिता गया, पर फिर भी ये जो कौम है डरी नहीं, उत्थे मौजूद रही। होर देख सकते हाँ चाहे काला पानी की सजा होवे, 47 तो पहले की गल होवे, 47 की गल्लां होवन कि जिस वेले पार्टीशन हो रही है बहुत वड्डा नुकसान जड़ा है इस कम्यूनिटी का होया, पर फिर भी अज तक असी हर थां ते जिथे किधरे भी जरूरत पई सिख कौम ने अपने सरहदां की राखी वास्ते अपने सिर दिते ने, पर कदे पिट ते गोली नहीं खादी। इन्हां सारियां चीज़ां नूं मुख रखदिआं होइआं असीं इह बेनती करदे हाँ कि इह जो पोलिटिकल प्रोसैस चल रहा है इहदे विच दो सीटां जिहड़ियां ने घट तों घट दो सीटां उस सिख कम्यूनिटी दे वास्ते रिजर्व कीतियां जावन, ताकि यह भी अपना पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन हो सके, सिखा की कोई आवाज उठा सके, सिख कम्यूनिटी की कोई असैम्बली के अंदर बोल सके, गल कर सके, कई तरह के समस्यावान कई तरह प्रॉब्लम्स आदि ने, पर साड़ी आवाज किधरे जिहड़ी है वह नज़र नहीं आती। तो असी बड़े ही एक अदब के नाल, बड़े प्यार के नाल, सत्कार के नाल एल जी साहब नूं अते सेंटर गौरमेंट नूं असी यह बेनती करते हाँ कि दो सीटा घट तो घट सिख कम्यूनिटी के वास्ते रिजर्व कीतियां जावन। मैं जिथे इस चीज़ के लिए असी डिमांड कर रहे हाँ उत्थे जो पहाड़ी स्टेटस जो जो दिता गया है जो सानू असी उसकी भी शलाघा करते हाँ, असी मुबारकबाद देते हाँ सेंटर गौरमेंट नूं भी, पर सानू पूरी आस है कि सिख कम्यूनिटी की पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन वास्ते घट तो घट दो सीटा जिहड़ियां ने और जरूर रिजर्व कीतियां जाणगियां। असी यह बेनती जिहड़ी है अपने यूटी गौरमेंट नूं, एल जी साहब नूं अते सेंटर गौरमेंट नूं करदे हाँ। सानू आस है कि साडी यह सोच साडी यह डिमांड जिहड़ी है इस नूं जरूर कंसीडर किया जाएगा। एक बार फिर मैं इत्थे दे मीडिया का भी बहुत बहुत धन्नवाद करता हाँ जो साडे पास पुज के साडी आवाज जिहड़ी है वह जिथे पब्लिक तक पहुँचाते हैं उत्थे
एडमिनिस्ट्रेशन तक भी या हायर अथॉरिटीज तक भी साड़ी आवाज पहुंचाते हैं। मैं इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। वध करते खेवा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।